शाम को जिला भाजपा कार्यालय में उस समय वहां उपस्थित कार्यालय पदाधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया जब एक शराबी युवक कार्यालय में हंगामा करते हुए कार्यालय में रखे सामान को अस्त व्यस्त करने लगा और तोड़फोड़ की कोशिश की। इस दौरान शराबी युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग और गाली गलौज की गई। युवक के हंगामे को देखते हुए कार्यालय पदाधिकारियों ने तत्काल उसे पकड़ते हुए कार्यालय में कैद रखा और इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस आरोपी युवक लोकेश पवार को लेकर थाने आई और युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए संपूर्ण मामले को जांच में लिया। आरोपी युवक लोकेश पवार ने भाजपा कार्यालय में यह हंगामा और तोड़फोड़ की और ये किस मंशा से की यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन आरोपी युवक अपने आप को मोदी आर्मी नामक संगठन का जिलाध्यक्ष बताता है। जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी के कमरे में बैठा था मैं राम सिंह पटेल और अरुण गदरे जी तीनों बैठे थे। इतने में लोकेश पवार वहाँ पर आया, उनने पूछा कि रजिस्टर कहाँ है, मैं साइन करूँगा। मैंने कहा हमारे भाजपा कार्यालय में किसी प्रकार का कोई रजिस्टर तो होता नहीं है। तो बोलने लगा कि मैं मोदी ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का कोई अनुसांगिक संगठन नहीं है मोदी ब्रिगेड। तो उसके बाद में मोदी जी को गाली बकने लगा, कुर्सी उर्सी फेंका और टेबल भी बगरा दिया उनने और डस्टबिन बगरा दिया। फिर मैंने उसको पकड़ के राम सिंह पटेल ने, मैंने और अरुण गदरे ने पकड़ के उसको वहीं पर करे और बाहर से साकल लगा दिए। फिर उसके बाद पुलिस को फ़ोन करके उसको बुलवा के पुलिस को सौंप दिए। उसने कारण ये वो आते से उनने बोला कि रजिस्टर बताओ पहले, बोले यही कारण बताया उन्होंने। छिंदवाड़ा से बीसीएन न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।